चालू करो, मैं वहीं से बोलूं बीच में से। ये मंच पर बैठे हैं सब लोग, बैठ जाएं और कोई फोटो लेने के लिए। पहले सबसे निवेदन है कि बातचीत जो कर रहे हैं भैया, एक 10 मिनट के लिए शांति रखें, कोई आपस में बातचीत ना करें, कोई भी मोबाइल बंद कर लो। ए भाई मोबाइल बंद। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इतना समय निकाल कर अपने जेब से पैसा खर्च कर कर इस जाट महाकुंभ में आए हैं और आपस में ही बातचीत करते रहेंगे तो क्या सीख के जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे। और इसलिए सबसे निवेदन है कि मोबाइल सब बंद करें, सिर्फ फोटो खींचने के लिए वीडियो बनाने के लिए करना तो करें, लेकिन बातचीत ना करें और आपस में कोई बात ना करें। जो भी समाज के नेतृत्व करता है जब बोलते हैं तो उनकी बात सुनो, सुनने के लिए तो आए हैं, और सब मिलकर जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। और इसलिए जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण है, प्राणों से प्यारी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय इस भारत माता में हमारा जन्म हुआ है, और इसलिए इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसमें हम पैदा हुए, पले बड़े, खेले, शिक्षित हुए, इसी भूमि में हम खेती कर कर अपना, अपने परिवार का, देश का, दुनिया का पेट पालते हैं, और जब जाएंगे तब इसी में मिलेंगे। और इसलिए हमारी सबसे बड़ी कोई देवता है, देवी है, तो वो है हमारी भारत माता। और इसलिए दोनों मुट्ठी बांधकर हम सब भारत माता का जयकारा लगाएंगे, जो मंच पे हैं वो भी, और जो नीचे हैं खड़े हैं बैठे हैं वो भी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोलो वीर सत्यवादी तेरा जी महाराज की, महाराजा सूरजमल जी की, महाराणा भीम सिंह की, और हमारे सभी पुरखों की। मैं जहां से आता हूं वो नर्मदा जी का नाभि स्थल है, और नर्मदा जी भगवान शंकर की बेटी है, और हम भी शंकर की जटाओं से पैदा हुए हैं, और इसलिए मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूं, और आप सब से निवेदन करता हूं कि मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप सब मुट्ठी बांध कर कहेंगे जिंदगी भर, ताकि मां का आशीर्वाद हमें जिंदगी भर मिले और हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज मध्य प्रदेश के लिए और जाट समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज जाट समाज की युवा शक्ति ने एक संकल्प लिया कि हम पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोने कोने में, जिले में, तहसील में, गांव में, शहर में, जहां भी जाट समाज के लोग रहते हैं, इनको पीले चावल देकर निमंत्रण देंगे, और 14 मई को भोपाल में दशहरा मैदान पर एकत्रित होकर महाकुंभ करेंगे। और जब मेरे पास ये युवा टीम आई, मैंने दिल खोल के कहा कि आप करो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। और मैं बधाई देता हूं संपूर्ण जाट समाज को कि उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने, युवाओं ने सहयोग किया, और आज संपूर्ण प्रदेश से यह महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और जो भी हमारी मांग थी
या हमारी इच्छा थी कि ये होना चाहिए मध्य प्रदेश में, वो सब इसी मंच से पूरा हुआ है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित, आज मातृ दिवस है और इसलिए जितनी माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि मातृ शक्ति के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। अरे ताली जाटों वाली ताली होनी चाहिए, सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं उनका सम्मान में जोरदार ताली बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। युवा शक्ति को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन और मंच पर विराजमान हमारे जाट समाज के सभी पूरे देश से आए हुए समाज का नेतृत्व करने वाले सम्मानी सभी नेतृत्व का मैं अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस जाट महाकुंभ का लक्ष्य क्या है, इससे हम क्या हासिल करके जाएंगे, यह जरूर बताऊंगा। भाई आपस में बातचीत नहीं, थोड़ी देर शांति रख लो। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्य अतिथि में हमने की और जाट समाज ने जो भी मांग रखी थी कि ये होना चाहिए, सरकार से हमारी अपेक्षा ये है। हम सुबह मुख्यमंत्री निवास गए, अभय चौटाला जी, विक्रम वर्मा जी हमारे हरियाणा से आए, सतीश नांदल जी और भी जितने अतिथि आए थे और उनसे जाकर वहाँ चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये सभी मांगे आपकी जायज हैं, मैं इसको पूरा करूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने आकर सबसे बड़ी मांग जो थी कि सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का एक नाम से बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड का गठन और बोर्ड के गठन में उसमें समिति बनकर तेजाजी महाराज के नाम पर जन कल्याण के, समाज के, शिक्षा के, सब क्षेत्र के विकास के काम हो। और वो उन्होंने घोषणा की और इसलिए जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए जो हमारे लिए करता है उसका धन्यवाद भी हमको करना चाहिए। दूसरी मांग थी कि समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रावास, तो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर तीन जगह की मांग की। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जितने संभागीय मुख्यालय हैं, जहां जहां हमारा समाज रहता है, जिस संभाग में, उज्जैन में भी करेंगे, ग्वालियर में भी करेंगे, बाकी जगह जबलपुर है वहां भी करेंगे, जहां जहां समाज के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चे बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रावास की आवश्यकता होती है, कोचिंग की आवश्यकता होती है, और वहां सरकार से सस्ते दर पर जो बाकी समाजों को भी दी जाती है जमीन छात्रावासों के लिए, वो दी जाएगी और उसके लिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीन जगह नहीं, 30 जगह भी जरूरत पड़ी तो 30 जगह जमीन दिलाने का काम करूंगा। इसके अलावा एक मांग हमारी और थी कि वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस, जिस दिन उन्होंने अपने वचन, देखिए दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया में कि जिसने कहा हो कि मैं मेरा काम पूरा करके आऊं और उसके बाद आके मुझे डस लेना, अभी मेरे पास समय नहीं, मैं न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, गौ माता की रक्षा करने जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा और फिर मुझे डस लेना ना। है क्या कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में? नहीं है। वो है हमारे समाज के पुरखे, हमारे गौरव वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने वापस आकर कहा कि मुझे डस लो और तब उनने कहा नाग देवता ने कि तुम्हारे शरीर में कोई जगह नहीं, कहाँ डसूं, तो अपनी जीभ निकाल के दिख, ये जगह सुरक्षित, यहाँ डस लो। आज कोई उदाहरण मिलता है? अभी अपने से कह दे कोई कि आपकी जान चाहिए तो कोई देने को तैयार है क्या?
अरे भाई बोलना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। और इसलिए वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर छुट्टी की मांग की थी, उन्होंने घोषणा की कि वीर तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर ऐच्छिक छुट्टी रहेगी। बाकी चीजें भी जितनी भी है समाज सुधार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम सब करेंगे। लेकिन मित्रों मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक मांग और रखी थी कि 10-10 टिकट दोनों पार्टियों से दी जाए। देखिए बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मैं 1990 से राजनीति में आया, इंदौर पढ़ाई करने के बाद हरदा गया और हरदा विधानसभा में जाटों के वोट 1182 उस समय थे, बाकी समाजों के बहुत थे। और मैंने दो ढाई साल वहां मेहनत की, किसानों की लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ लड़ा और उसके कारण पार्टी ने मेरे मांगने नहीं आया टिकट। उस समय 1,000 रुपया टिकट के लिए कहा था कि 1,000 रुपये का आवेदन जमा करो, और मैंने कहा कि मैं टिकट के लिए आवेदन नहीं दूंगा, ना किसी को भेजा, और मुझे टिकट मिला। और जब टिकट मिलने के बाद मैं एक कार्यक्रम में गया सिराली, और मुझे वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता थे पदम पटेल, उन्होंने कहा कमल पटेल युवा है, मैं उस समय 30-32 वर्ष का था, युवा है, पुरुषार्थी है, स्वाभिमानी है, चरित्रवान है, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, बहुत संघर्ष किया इन्होंने और पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन इनकी एक कमी है, बोले ये जाट बिश्नोई है, क्योंकि जाट बिश्नोई के नाम का हुआ बाकी समाज में भयंकर रहता। तब मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि एक जन्म नहीं 1,000 जन्म मिले तो जाट के यहां पैदा हूं, जाट समाज में हूं, क्योंकि जाट समाज स्वाभिमानी है, पुरुषार्थी है, चरित्रवान है और देशभक्त है, अन्याय के खिलाफ लड़ना जानती है। मैंने कहा पान की दुकान पर 50 लोग खड़े और कोई गुंडा आके किसी को चाकू मार जाए तो बाकी लोग खसक लेंगे वहां से, लेकिन जाट का अगर एक भी लड़का है तो उसका हाथ पकड़ेगा, विरोध करेगा। कॉलेज में स्कूल में कोई गुंडे हमारी बेटियों को छेड़ते हैं, बाकी लोग डर जाते हैं, लेकिन जाट का अगर एक भी लड़का है तो उसका विरोध करेगा, चाहे उसकी जान चल जाए। ये हमारी समाज में हमको पुरखों से मिला है, हमारे खून में है, देश सेवा, परोपकार, अन्याय के खिलाफ लड़ना, चाहे वो देश की सीमा पर हो, सुरक्षा का मामला, तो हमारे समाज के युवकों ने सबसे अधिक कुर्बानियां दी है, शहीद हुए हैं। कारगिल युद्ध के विजय में हमारे खून ने ही कारगिल में विजय प्राप्त कराई, सबसे अधिक शहीद हुए। खेल का क्षेत्र देख लो तो भारत माता का मान पूरे दुनिया में अगर किसी ने बढ़ाया तो हमारे खून ने। राजनीतिक क्षेत्र में भी जो भी आए हैं और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया तो हमारे खून। मैं भी मध्य प्रदेश में 30 साल से हरदा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं जब राजस्व मंत्री था, युद्धवीर जी, हनुमान जी सुनो, तब यहां पर 5 करोड़ भी पूरे प्रदेश को नहीं मिलते थे। आपके राजस्थान में तो टिड्डी दल पूरी फसल चौपट कर जाता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा नहीं थी। लेकिन मैंने राजस्व मंत्री बनते से ही प्राकृतिक आपदा इल्ली को घोषित करवाया। जब मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर जी, हरदा ले गया, बालागांव से हाथ पकड़ा, अधिकारी सचिव थे भागीरथ प्रसाद, वो कह रहे सर नियम नहीं है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जो बोल देगा नियम बन जाएगा, हाथ पकड़ के घोषणा कराई। ये हरदा के लोग हैं, इनको पता है। तब इल्ली को प्राकृतिक आपदा दुनिया में सबसे पहले कहीं हुई तो मध्य प्रदेश में, और जहां 5 करोड़ नहीं मिलते थे 5,000 करोड़ किसानों को दिलाने में सफलता प्राप्त की। ये गांव की आबादी का मालिकाना हक, देश बनाए गांव और शहर से मिलकर। शहर में प्रॉपर्टी है तो आपको लोन मिल जाएगा, कोर्ट से जमानत हो जाएगी, लिमिट मिल जाएगी, साल्वेंसी बन जाएगी,
और इसलिए बैंक से ऋण लेकर मुट्ठी भर शहर के लोग अरबपति खरबपति बन गए। लेकिन हमारे गांव में, हमारे बाप दादा के जमाने से हम रहते आए हैं, गांव आबादी में बसता है लेकिन गांव का मालिकाना हक नहीं दिया किसी ने। जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने हरदा के मसन गांव को देश का पहला गांव आजादी दिलाया 1383। मालिकाना हक का देकर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक, जिससे लोन भी मिल सकता है, जमानत भी हो सकती है, लिमिट भी मिल सकती है साल्वेंसी, और जब बैंक से लोन लेंगे तो 40% सब्सिडी मिलेगी, उद्योग धंधे लगाएंगे। हम सिर्फ खेती करने के लिए नहीं है, मेहनत करें हम और माल कमाए व्यापारी, ये नहीं हो सकता। मेहनत करेंगे हम तो हमारे बेटे भी पढ़े लिखे हो गए, ये उद्योग लगाएंगे, व्यवसाय करेंगे और माल बेचेंगे, तो जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो अब गांव के लोग कमाएंगे। अब गांव का और शहर का भेद खत्म किया, देश में पहला कानून हमने मध्य प्रदेश में बनाया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया। अब ड्रोन कमरे से सर्वे हो रहा है, आपका मकान अगर 1 करोड़ का है तो पहले 1,000 की जमानत नहीं होती, लेकिन अब आपका 1 करोड़ रुपए का लोन मिलकर मकान दुकान व्यवसाय उद्योग लगा सकेंगे सब्सिडी लेकर। हमारे लड़के जो बेरोजगार नौकरियों के लिए भटक रहे वो उद्योगपति बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। जब कृषि मंत्री बना तो 2004 से एक नियम था, चना सरसों मसूर गेहूं, सुनो अरे भाई, निवेदन है नीचे बैठ जाए। विधायक काय के लिए बनना है, टिकट काय के लिए चाहिए, ये किसानों की तकदीर तस्वीर बदलने के लिए। और इसलिए उसके अंदर भी हमने प्रयास किए और 20,000 करोड़ किसानों को दिए। सब लोगों से निवेदन है नीचे बैठ जाएं, सभी युवा शांति रखें। यही तकलीफ है कि एक जाट आगे कैसे पड़ गया, इसकी भी टांग पकड़ के खींचो, ये तकलीफ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खुद को इतना स्वाभिमानी पुरुषार्थी मेहनत करो कि राजनीतिक पार्टियां घर बैठे तुमको टिकट दे, मांगने से टिकट मिलने वाली नहीं है। और इसलिए अपने अपने क्षेत्र में काम करो। युवा लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मेरा 30 साल का अनुभव है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ो और सिर्फ जाट जाट मत करो, बाकी समाज को लेके भी चलो। अगर बाकी के लोगों को लेके नहीं चले तो कहां से आगे बढ़ोगे। आज मध्य प्रदेश में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी संख्या कम है, उसके बावजूद एक सांसद है हमारा नर्मदापुरम से, उदय प्रताप सिंह जी। हमारे 2 विधायक हैं, एक मैं हूं और एक नीना वर्मा जी, जो श्रीमती विक्रम वर्मा, वो भी 3 बार से लगातार विधायक है। उसके अलावा हरदा में एक भारती राजू कमेडिया है, जो नगर पालिका की अध्यक्ष है, वो भी हरदा से है। एक हमारा महापौर है प्रहलाद पटेल, वो रतलाम से महापौर है। ये लोग मेहनत करके आए हैं। हम सब अगर टिकट चाहिए तो क्षेत्र में जनता की सेवा करो, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हो, लेकिन मेहनत करो तब बनोगे। खाली माली सम्मेलन करने से और मांग करने से नहीं होगा। हम सब आज ये संकल्प लें कि जहां भी हम रहते हैं वहां हमको मेहनत करना होगी, लोगों के काम करना होंगे, लोगों के कष्ट में दुख में आगे आना होगा और सबका साथ लेकर सबका विश्वास जीतकर दिल जीतकर आगे बढ़ेंगे। तो 10 नहीं 100 भी हो सकते हो, 100 भी बन सकते हो। और इसलिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पहले अपने को पहचानो, और बगैर सबके सहयोग से कुछ हो नहीं सकता, इसलिए सबका साथ लेकर चलें, आगे बढ़ें और अपने समाज के अंदर जो कमियां हैं, जो कुरूतियां हैं, मैं खुला बताना चाहता हूं कि एक कोई आगे बढ़ गया तो सब मिलकर टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे बढ़ गया, इसको पहले हमको खत्म करना होगा। दूसरा, जो नशा मुक्त युवाओं के अंदर हो गया है, उस नशे से मुक्त होना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, हमारी बेटियों को आगे पढ़ाना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग में भी हमको आगे आना पड़ेगा और
सरकारी क्षेत्र में भी पढ़ाई करके मेरिट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे आएंगे। हमको गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश की एक बेटी मनीषा जाट आईएएस है। सबसे बड़ी नौकरी जो आईएएस की होती है वो मध्य प्रदेश की बेटी है। जरा जोरदार ताली बजा कर उसका अभिनंदन। उससे प्रेरणा लो कि जब हमारी एक जाट की बेटी आईएएस बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। अगर एक जाट का बेटा मंत्री बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। टांग पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में सब मेहनत करें, आगे बढ़े। मैं हमेशा समाज के लोगों के साथ साथ, संपूर्ण समाज हमारा परिवार है, पूरा देश, जो भी भारत माता में पैदा हुआ है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और इसलिए जो सबसे पीछे है वो हमारा गले का हार है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ, और अपने वो हैं जो सबसे पीछे हैं, सबसे दलित हैं, सबसे पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करके उनके आगे लाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको वो दुआएं दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है। और इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे पुरखों में जो सेवा भाव था, जो स्वाभिमान था, पुरुषार्थ, चरित, देशभक्ति के गुण थे, वो गुण हम में भी रहें। उसके बल पर हम अपने समाज का गौरव बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार का गौरव बढ़ा सकते हैं और अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। इसी निवेदन के साथ सभी अतिथि जो पूरे देश से आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, और आप सब समाज बंधु भाइयों बहनों माताओं बच्चों सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम सफल बनाया, और जो जो भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है उसको मैं पूरा कराने का संकल्प लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।